गलियों में हो हो गलियों में घो घो खाके मदीना जो गलियों में घो घो खाके मदीना जो नाते नबी सुनाएंगे तो सगे सुनाएंगे आज नहीं तो कल हेलो चेक हेलो वो जो राधे थे तो कुछ ना था वो जो राधे थे तो कुछ ना था वो जो ना हो तो कुछ ना हो जाने है तो जाने है जाने है वो जाने की जाने है तो जाने है अर्श की अकल चरख पे आसमान है अर्श के आका दंग है चरख पे आसमान है जाने मोरा तो
तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद। हेलो 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 वरना ये कौन बन के सांसों की जानकारी आया है, ये कौन बन के सांसों की जानकारी आया है, ये कौन बन के सांसों की जानकारी आया है, ये कौन बन के कौन बन के सांसों की जानकारी आए हैं, हर दिल का तार कहता है सरकार आए हैं, हर दिल का तार कहता है सरकार आए हैं। हम इसलिए बिखरे सर बाजार आए हैं, हम इसलिए बिखरे सर बाजार आए हैं, हम इसलिए बिखरे सर बाजार आए हैं। महबूब खुदा बन के खरीदार आए हैं, महबूब खुदा बन के खरीदार आए हैं, कौन बन के सांसों की जानकारी आए हैं। महशर के नौज नजद वहाबी को देख गए, महशर के रोज नजद वहाबी को देख गए, महशर के नौज नजद वहाबी को देख गए, दोज़ख कहेगी भेज दो गद्दार आए हैं, दोज़ख कहेगी भेज दो गद्दार आए हैं। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने ईदे मिलादुन्नबी। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम हाशमी अशरफी साहब तशरीफ ला चुके हैं, जिनके कानों तक मेरी आवाज़ पहुंचती है, वो लोग जल्द से जल्द महफिल गाह के अंदर तशरीफ़ ले आए। हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी, सरकार सैयद दादा बापू का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
सभी आशिकान रसूल साथ मिलकर पढ़े। नूरा गया हक का नूरा गया हक का नूरा गया मलहबा फूलों से बात महके सांखों के मुर्ग चहके फूलों से बात महके सांखों के मुर्ग चहके फूलों से बात महके सांखों पे
الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جب الحسینی مرحبا 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 یا نور العینی مرحبا تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے میرے بھی وقت چمکا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جب الحسینی مرحبا 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 یا نور العینی مرحبا آئی نہیں حکومت صدقہ نیا چلے گا آئی مرحبا دیدنی ہے ان کے قدوں کا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا بے قصوں سے ہیں جنہیں پیار وہی آئے ہیں हेलो 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 स्टार्ट करें हो गया ना बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ایمانداروں کا مجمع ہے ایمانداری سے درود شریف پڑھ لیجئے پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم نبی اور آل نبی پر ایسا درود پڑھو جیسے سننی پڑتا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا جد الحسن والحسین والا آل سیدنا جد الحسن والحسین نبی اور آل نبی پر اتنا باواز بلند درود پڑھے کہ وہ لوگ سمجھ جائیں وہ الگ ہے ہم لوگ سمجھ جائیں ہم الگ ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد و بارک و سلم
बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं। लिखने वाली जात कोई आम मानव जात नहीं है। हाँ, इस दौर का मुजद्दिद और वक्त का गौस हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम वल किबला मद्दिल्लहु लैली, हाँ, जिनके फतवे के बराबर किसी का फतवा नहीं, जिनके तकवे के बराबर आज के दौर में किसी का तकवा नहीं, जो बोल दे तो अच्छे अच्छों की बोलतियां बंद हो जाए, हाँ, और जो चुप हो जाए तो गोयाई नाश करे, है ना मेरे प्यारों। ये उस मुहक्किक जिसको मुरीदों की बूम बाम ने बड़ा नहीं बनाया, मुहद्दिस आजम ने बड़ा बनाया है, वो वक्त का शेखुल इस्लाम जिनके दर का भीग और जाम पीकर हम जैसे कहीं चल रहे हैं पूरी दुनिया में। अबे जब इतनी सी लाइटिंग का ये हाल है तो हमारे पावर हाउस का हाल हम क्या होगा, है ना। वो हर कदम में मदनी, चले तो मदनी, बोले तो मदनी, मुस्कुराए तो मदनी, हाँ, देख ले तो मदनी, ना देखे तब भी मदनी, आए हाय दुश्मन को भी कहना पड़ जाता है मदनी, ऐसा है हमारा मदनी, है ना मेरे प्यारों। बड़े लतीफ हैं, ए भैया ए, बस बस हो जा, बार बार कहना, ये ऐसी बस्ती है जहाँ हर चीज बार बार कहनी, झूमो तो झूमते ही नहीं, आज पांचवा दिन आ गया, ना जाने कौन सा वो मिर्ची का धुनी करनी चाहिए, ना जाने क्या हो जाए, कोई बला हाजिरी तो नहीं है यहाँ, इतना ढीठ तो जिन्नात भी नहीं होता है। ये घर में अम्मा को सताता हुए तो इधर लाई बिठाई दिया बच्चे को, कहे हाँ बहुत झेल रहा है, अब इसको छोड़ो, देखो गया जहां पार्सल था वहां लॉन्च, अल्लाह इस बेटे को सलामत रखे, इनकी माँ को सलामत रखे। हमारा वैर किसी से नहीं, बस ऐसे ही मजाक हो जाता है, दो बात हो जाती है कि नहीं प्यारे, हाँ, क्योंकि मुझे पता है कान में एक दूसरे के कोई क्या कहता है, उधर इशारा क्या होता है, मुझे सब पता है, ऐसे ही यहाँ नहीं बैठा हूँ, आप नीचे नहीं है, कुछ तो होता है ना भाई, हाँ, उच्छल जलधि तरंगा। बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मकाम उनका ना फर्शे जमीन अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के नगर में रहते हैं। वो और ही था जो कौसैन पे नजर आया, मलक तो अपनी हदे बालों पर में रहते हैं, और खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं, खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। अबे ये कौन लोग हैं, किसके असर में रहते हैं, है ना मेरे प्यारों। आज आखिरी जलसा है ना, पांचवा दिन है पंजतन, क्या है पंजतन, गांधी जी का स्टेच्यू देखा था क्या, वो भी ऐसे ही बैठे होते, आप भी ऐसे ही देखते रहते हैं। अरे नहीं नहीं, गांधी जी तो चल बसे, आप तो जिंदा है, जिंदा होता, अच्छा मुर्दे जो होते हैं ना उनको दो ताकत होती, सुनने की भी, हाँ, समझने की भी, है ना, लेकिन जिंदों में तीन ताकत होती है, सुनना, समझना और बोलना। तो मुझे तो ऐसा लगता है ये हिंदुस्तान नहीं कब्रस्तान में तकरीर हो रही, कितना भी बोल अपने तो बहुत डीट है, बड़ा मानवा ने अपने तो मंडप ना पाछड़ जाइन बात करिए, बापू हूँ बोलिया ने भेड़िया मुफ्ती साहब यहाँ ही बोल लेने, इतनी सलाहियत हो है तब बोलो, हाँ, क्योंकि आज रसूल पाक का जश्न है, आज मीलाद ही मीलाद है ना, है कि नहीं। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से टोटली परफेक्टली अनडाउटली एग्जैक्टली एब्सोल्यूटली हार्डली कंग्रेचुलेट फॉर ऑल कमेटी मेंबर्स, मैं तमाम कमेटी के अध्यक्ष और कमेटी के मेंबरों का अभिवादन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। याद रखना बेटा, दुनिया में
कुछ सिनेमा देखा जा रहा है ना, कहीं कोई जुए में, कहीं सट्टे में, कोई बुराइयों में मशगूल है, लेकिन ये सिर्फ मुकद्दर होता है, जिसे रब चुनता है वो मीलाद बनाते हैं। हाँ मेरे प्यारों, जिसे रब चुनता है वो मीलाद बनाते हैं, और इन लोगों के जरिए अरेंजमेंट करवा के, ये दादा बापू की टीम के सिपाही है, इनके पीर ने इनको चुना, इसीलिए ये इतना बड़ा काम करते हैं। अल्लाह इनकी कमेटी के सारे मेंबरों का दुख दूर हो जाए मीलाद के सदके। माँ फातिमतु जहरा सलामुल्लाह अलैहा की चादरे पाक के वसीले से कमेटी वालों का भला हो जाए, है ना, अल्लाह सलामत। इधर का बाबा पर्दा हटवा दो तो गर्मी हमें ही कम हो जाए, पर्दे का हुक्म औरतों को आदमियों को नहीं है ना, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, गले मिल रहे थे उजाले अंधेरे, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, गले मिल रहे थे उजाले अंधेरे, क्या समझे आप। अरे रात ने बहुत जिद पकड़ ली है, मौला महबूब को मेरे टाइम पर भेज, और दिन ने कहा महबूब को मेरे वक्त पर भेज, इधर रात कह रही है मेरे वक्त पर भेज, दिन कह रहा है मेरे वक्त पर भेज, दोनों का भेजना अलग, बात कहने का अंदाज अलग, रात कहे मुझ में भेजो, दिन कहे तो रब ने संगम ही ऐसा किया कि रात जा रही हो दिन आ रहा हो, दोनों के बीच का संगम, सुबह सादिक के वक्त मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। हाँ वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, इसीलिए तो कहा गले मिल रहे थे उजाले अंधेरे, है ना। और बनाने वाले को मालूम है कि जो चीज मैंने बनाई है उसकी हकीकत क्या है, है ना, बनाने वाले को पता है कि जो चीज मैंने, क्या देखने की आदत है उधर, कोई नाच रहा है, रसूल का जिक्र हो आपको, उससे बढ़ के क्या चीज दिख जाती है बाबा। आज मिलाद है, सुनो ना मिलाद, अभी फिर शरबत चालू होगा, इधर ध्यान करें। भैया चुप हो जाओ, कहे तो नहीं तो फिर मैं ठंडे में बोलता हूं। बनाने वाले को पता है, अब ये कंप्यूटर पड़ा है, कंप्यूटर को पता है, और हां स्पेशली दिल का शुक्रिया पैगामे हक चैनल, जिन्होंने वाकई हक का पैगाम दादा बापू के हाथ के वसीले से घर घर पहुंचाया। मुखलिस लोग हैं, अल्लाह इनको भी बरकत अता करे, सलामती अता करे। दोनों पार्टनर का हाथ ऐसा मिला, जब पार्टनरों का हाथ इतना मजबूत होता है तब जाके इतना बड़ा चैनल मजबूत होता है। अल्लाह इनको सलामती रखे, माइक वाले, स्टेज वाले जितने हैं सब मिला दी है ना। कंप्यूटर मैंने बनाया तो मुझे पता है कि कंप्यूटर क्या चीज है ना, लेकिन जो चीज मैंने बनाई ही नहीं उसे क्या पता। ए भैया इन मेरे को नहीं चलता बाबा, बैंड बाजे में तकरीर करने की आदत नहीं है, बस छाना माना करवा दी, कहीं फायदो नहीं, उठा के इनको हटाइए। बापू ये चीज रिकॉर्ड से थोड़ा वो कर देना तो वो उससे वो हो जाता है, एक बार हो यार, दो बार भाई मोटा बजा।
हाथ में कुछ न था। अब मैं अपनी वो बात छोड़ दिया, दूसरी बात शुरू करता हूं। कुछ न था, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, ओनली अल्लाह, केवल अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। अब रब ने चाहा कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिसके जैसा कायनात में कोई ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी इज माय नूर, ये मुस्तफा फरमा रहे हैं। सबसे पहली मखलूक बनी मुस्तफा का नूर, किससे पहले? सबसे पहले जमी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, यहां से पहले, वहां से पहले, जर्रा जर्रा से पहले, कसरा कसरा से पहले, सहरा सहरा से पहले, गुलशन गुलशन से पहले, चमन चमन से पहले, दिन से पहले, रात से पहले, कहकशा से पहले, अमा से पहले, समा से पहले, गगन से पहले, वायुमंडल से पहले, नेपच्यून से पहले, प्लूटो से पहले, आकाश से पहले, पाताल से पहले, चंद्रमा से पहले, है ना, जीवाणुओं से पहले, धरती से पहले, पाताल से पहले, है ना, आदम से पहले, शीश से पहले, नूह से पहले, यय्या से पहले, याकूब से पहले, अय्यूब से पहले, सबसे पहले रब ने मुस्तफा का नूर बनाया। मैं फरमाइश पर यह बात बोल रहा हूँ, मुझे फरमाइश हुई है तब मैं बोल रहा हूँ, वरना मैं रिपीट कर ना कर पाऊँ उसका खास ख्याल रखता हूँ, लेकिन आज फरमाए और आत्मिला। सबसे पहली मखलूक मुस्तफा का नूर बनाया, और जब नूर तो बनाया, नूर को बनाकर अब चाहा कि नूर की पहचान कराई जाए, क्योंकि बहुत कीमती है। क्योंकि जब कुछ न था, सिर्फ मुस्तफा और खुदा, सिर्फ कितने? दो, केवल दो, तीसरा कोई न था, तीसरा कोई नहीं। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे हबीब, मैंने इसीलिए पहले तुझे बनाया और तीसरा कोई न था, ताकि पहले मैं तुझे देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मोहब्बत है, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो संगम है, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। अब जब वो नूर बना, तो वहां आदम की रूह को मौजूद किया गया, कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम, वहां आदम भी मौजूद है, शीश भी मौजूद है, नूह भी मौजूद है, यहया भी मौजूद है, जकरिया भी मौजूद है, शुएब भी, वहां सब नबियों की रूहों को जमा किया। क्या किया? जमा किया, सब नबियों की रूहों को जमा किया, और सब नबियों की रूहों को जमा करके रब ने ऐलान किया, ए मेरे नबी, सारे नबियों देखो, ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत का नूर है, नूर है, नूर है, ये आएगा जमाने में, अगर तुम्हारे जमाने में आ जाए तो अपना कलमा ना चलाना, इसी का कलमा चलाना, और इसकी नबुवत और रिसालत का इनकार ना करना। क्या ना करना? आए हाय, मुस्तफा का मर्तबा तो देखो, मुस्तफा की शान तो देखो, वहां सारे नबियों की रूहों को जमा करके यह अहद लिया जा रहा है कि अगर तुम्हारे जमाने में मुस्तफा जाने रहमत की अगर आमद हो जाए तो इनकार ना करना, उसे तस्लीम कर लेना। और नबी तो नबी होते हैं, वो तो मासूम होते हैं, वो तो रब की बात मानते ही है ना, ये तो आजकल के वहाबी है जो रब की बात नहीं मानते। ये देखो मुस्तफा के मीलाद होने का अहतमाम, मुस्तफा जाने रहमत के मीलाद का अहतमाम मुस्तफा जाने रहमत के दुनिया में आने से पहले मौला कर रहा है, अरबों खरबों साल पहले मौला कर रहा है, मौला कर रहा है, मौला कर रहा है, क्या समझे? उसी नूर से फिर लौहो कलम भी बनाया है ना, उसी नूर से सारी कायनात बनाई, जर्रा जर्रा बनाया, कसरा कसरा बनाया, सहरा सहरा बनाया, समंदर बनाया, आकाश बनाया, पाताल बनाया, उसी नूर से बनाया। तो ये जमीन मिलादी है, क्या है? जमीन मिलादी है, आसमान मिलादी है, पवन मिलादी है, झाड़ मिलादी है, जर्रा जर्रा मिलादी है। तो अब जो लोग मिलाद को नहीं मानते उनसे कह दो इस जमीन पर रहना बंद कर दो, क्योंकि ये जमीन मिलादी है, आकाश मिलादी है ना। अब वो नूर का इंतजार, हम बहुत नसीब वाले हैं कि हम मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत में है। किसमें है? उम्मत में है, ये तो मुफ्त में मिल गया तो अपनों को कदर नहीं है कि हम कौन है ना।
एक सुभान अल्लाह तक बोल ना पावे ये उम्मती का क्या मुकद्दर है। वहाँ देखो आदम अलैहि सलाम को भेजा गया तो आदम अलैहि सलाम रोए जा रहे हैं, खताए इज्तिहादी की बिना पर रोए जा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। तपस्या पर तपस्या भी है, अमा पर अमा भी है, समा पर समा भी है। आदम रोए जा रहे हैं और रोते रोते कहते हैं या रसूल अल्लाह आ जाइए, या हबीब अल्लाह आ जाइए, आपके नूर का इंतज़ार मुझे भी है, आ जाइए तशरीफ़ ले आइए। लेकिन उस वक्त आने का रब की तरफ से मुकर्रर ना था, मगर मुस्तफ़ा के नाम के सदके, नाम के सदको तो फैल में मुस्तफ़ा के नाम के वसीले से आदम का भी काम बनता चला गया। सुभान अल्लाह। हाँ, फिर नूह का रवाना आया, कश्ती में बैठे हैं, कश्ती में आंसू बहाते बहाते कहते हैं आका आ जाइए, तशरीफ़ ले आइए हुजूर, तशरीफ़ ले आइए, है ना। लेकिन उस वक्त आना मन रब का मंसूबा ना था। इसी तरह फिरौन के दरबार में जब मूसा जाए तो वहाँ भी मूसा अलैहिस्सलाम अकेले में बैठे बैठे तन्हाई में कहे ओ रब के हबीब, ओ रब के नूर, तशरीफ़ ले आइए, तशरीफ़ ले आइए, तशरीफ़ ले आइए। हर नबी तमन्ना करता है आका तशरीफ़ ले आए, ताकि गम का गम हमारे सारे दूर हो जाए, तकालीफ़ें बस्तियों से दूर हो जाए, आका तशरीफ़ ले आइए। मगर रब को उस वक्त लाना मंजूर न था, मगर मुस्तफ़ा के नाम के सदके सबका काम तो बनता चला गया, है ना। फिरौन के दरबार में खड़े होकर आंखों से आंखें मिला रहे हैं मूसा, काम हो गया, क्योंकि वो रब के नबी है, है ना मेरे प्यारे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पर लटकाया गया, वो फांसी पर कहते हैं या आका तशरीफ ले आइए, तशरीफ ले आइए, तशरीफ ले आइए। मगर जैसे ही उन्होंने सूली पर मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम लिया, रब ने मुस्तफ़ा के नाम के वसीले से उनको चौथे आसमान पर उठा लिया, चौथे आसमान पर उठा लिया, है ना मेरे प्यारों। ईसा अलैहिस्सलाम के 570 साल के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत इस दुनिया में तशरीफ लाए, है ना। 570 साल के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद हुई, आमद हुई, आमद हुई। और ऐसे ही आमद ना हुई, हजरते आमिना सलामुल्लाह अलैहा, है ना, हजरते आमिना फरमाती है कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत और हजरते अब्दुल्ला की पुश्त से हजरते आमिना की शिकम में आए तो कहा जब नबी मेरे शिकम में थे मेरे जिस्म से कुदरती खुशबू आने लग जाती थी, जहाँ जाऊँ तो मुझको अंबर की खुशबू आए, जहाँ जाऊँ तो मुझको अंबर की खुशबू आए, जहाँ जाऊँ खुशबू से। अभी तो पेट माँ के पेट शिकम में ही है मेरे आका, शिकम में ही है आका, खुशबू का आलम हो रहा है। और जब नबी की पैदाइश होने वाली थी तब आसमानों से चांद सितारे सब बलाएं ले रहे थे, हुराने जन्नत बलाएं ले रही है। और हजरत आमिना फरमाती है, क्या फरमाती है, कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की पैदाइश का वक्त आया तो मेरे घर की छतों पर सितारे इतने नज़दीक आ गए कि मुझे लगा कि अनकरीब मेरे घर पर कहीं ये गिर न जाए। आए हाय, जिनकी मीलाद में हम ये लाइटिंग लगाते हैं, फोक्स लगाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, तो कुछ के पेट में मरोड़ होती है, उनको हाजमोला दे दिया करो ताकि बेचारे चूरन खा के हजम कर ले। मैं हाँ, ये लाइटिंग क्यों लगाते हो, ये फॉक्स क्यों लगाते हो, काश किसी गरीब को दे देते तो उसके घर चूल्हा जल। अच्छा, हम ये लगावे तो तुझे गरीब याद आता है, और तू 3-4 करोड़ रुपया जमात में खाए धोए मूते हगे रवाना, वहां गरीब याद नहीं आता। 3 करोड़ पर पानी बापू, और जमात में क्या पिलाया, कोका कोला पेप्सी कोला सब पी गए, कोई नहीं बोला। हाँ, ये मल्टी बिलियनर कंपनी है। हाँ, हमको 80 रुपया लीटर मिले तो इनको 15 में देता है, क्योंकि इनका दादा पी रहे। मेहरबान है, तुम करोड़ों रुपया खाओ धो तब गरीब याद नहीं आता। दीपावली के दिन अपने धंधे की जगहें सजाते हो तब तुम्हें गरीब याद नहीं आता। तुम्हारे घर के बच्चे सबसे ज्यादा, ये मैंने रिसर्च किया और पूरी दुनिया में देख लेना, इनके घर के औरतें पटाखे फोड़ती है, लाखों करोड़ों का दारू खाना उड़ाते हैं, तब तुझे गरीब याद नहीं आता। बस मुस्तफ़ा जाने रहमत का मिलाद आए तो फौरन इन खटमलों को पेट में मरोड़ होने लग जाती। ये कहाँ से साबित है, ये कहाँ से
अबे यार कहां से क्या साबित है, हम तो ये नकली नकली आर्टिफिशियल चाइना का माल लगा रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने तो, मुस्तफा जाने रहमत की मीलाद तो रब ने सितारे भेजकर आसमान के नूर भेजकर कर दी है। सुभान अल्लाह, खुशबुएं पहले से फैला दी गई मक्के में। बेटे जब नबी पैदा हुए पूरे मक्के में बेटे ही बेटे पैदा हुए। सुभान अल्लाह, हाँ सारी जो जो सब्जा उजड़ चुका था हरियाली ही हरियाली छा गई, हरियाली। ये मिलाद नहीं बना जा रहा है तो क्या बनाया जा रहा है, ना है कि नहीं? अब जो जिसका होता है, हम नबी हमारा है तो हम मिलाद बनाते हैं, और हमें अपने नबी के मिलाद बनाने के, और हजरत क्या कहते पता, ज़ईफ रिवायत से है। अच्छा इनसे मसाइल पूछिए कि ज़ईफ रिवायत और कौल फ़ज़ाइल आमाल से हो तो क्या वो मकबूल नहीं होता? तुम्हारी ज़कात और चंदा खोरी वाली आदतें किसी हदीस में बताओ, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा हो तो कि मदरसे में चंदा दो तो जन्नत मिलेगी, फिर भी तुम लोग अपनी जमात के स्टेज पर बुलंदियों से बयान करते हो। क्यों? पैसा आता है। हम कहे वो ज़ईफ है क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत के ज़माने में मदरसा था ही नहीं। जहां लाम जबल्ला आता है वहां फतवा नहीं, और हम रिवायत बता रहे हैं सही नसब के साथ। तो ये कहते ज़ईफ है, अबे तू ज़ईफ, तेरा अब्बा ज़ईफ, तेरा खानदान ज़ईफ, हमारे नबी की तो बात कोई हम बेदलील मानते हैं, बगैर दलील मानते हैं। क्यों? 15 अगस्त को देखो इनकी फटती है डंडे से तो झंडा लगाएंगे, बहुत बड़ा देशभक्त बताएंगे अपने आप को, जैसे हा 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 आजादी में तो यही लोग थे, गांधी बापू के साथ इनके ही फोटो है, दुकानें सजाएंगे इन्हें, हाँ झंडा बिल्कुल मनाओ। हम भारतीय है, भारतीय, हमें अपने भारतीय होने पर नाज है। दूसरे देश की टीम जीतती है ना तो पागलों की तरह उछल उछल के मत निकला करो बाहर, फिर तुम्हारी वजह से पूरे सबका नाम खराब होता है। कौन सा भर जाते हैं तुम्हारा, अगर देखो वहां तो खुल के सड़क पे चलो तो गोलियां मार देते हैं। हाँ चांद सितारे से इतनी मोहब्बत मत किया करो, हरे झंडे के ऊपर जो लगा होता है। मोहब्बत करनी है तो, क्योंकि मेरे नबी ने भी जमीन पर पहला उतरना आदम के जरिए अगर चाहा तो वो हमारा हिंदुस्तान था। हक अपना मांग कर जो कराची चले गए, ये बात क्यों ना आई मुहाजिर के ध्यान में, लाहौर मिल गया मगर अजमेर छूट गया, अच्छा हुआ हम रह गए हिंदुस्तान में। गर्व से कहो मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। मगर ये उस दिन 15 अगस्त को झंडिया लगाते हो सजाते हो, ये हदीस से कहां साबित है? गरीब का चूल्हा ना जले तो कहते ना ना बाबा थोड़ा क्या है कि अपने धंधा करते ना तो डंडे सी बचना पड़े, वरना हम वफादार तो कोई के बाप के भी नहीं है। जब नबी के वफादार नहीं तो देश के कहां से होएंगे? हाँ दो दर्जन तो है हम, वहां लगाओ तो जायज ना जायज। 15 अगस्त को क्या हुआ जो करते हो? कहोगे मेरा देश आजाद हुआ, मेरा मुल्क आजाद हुआ। तो 15 अगस्त वो है जिस दिन देश आजाद हुआ, 12 रबीउल अव्वल वो है जिस दिन पूरी दुनिया आजाद हो गई। सुभान अल्लाह, यतीमों को सहारा मिल गया, बेचैनों को चैन मिल गया, बेकरारों को करार मिल गया, बच्चियों का दफनाना बंद हो गया, बेवाओं को मनहूस समझा जाना बंद हो गया, इंसानियत आम हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, सरकार की आमद। आप लोगों का जोश देख के आप खड़े होके बोलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलो या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। अली मौला,
ए बापू बैसी जाओ बैसी जाओ। आज आपणो जलसो छे साहेब, आज आपणा नबीनी मिलादनो जलसो छे। સુબહાન અલ્લાહ। અને કોઈના બાપની તાકત નહીં કે આપણને રોકે રોકાય, કે આપણને તાકત આપનારો મદીનાવાળા મુસ્તફા છે। સુબહાન અલ્લાહ સુબહાન અલ્લાહ સુબહાન અલ્લાહ। હા, નબી સ્મૃતિ સર્વ વિપદ વિમોક્ષણમ, નબી કા નામ હર મુસીબત સે ટાલ દેતા હે। સુબહાન અલ્લાહ સુબહાન અલ્લાહ। હઝરત આપકા ફોર્મુલા કામ આ ગયા। હા, પહેલે દિન આપ આ જાતે તો અચ્છા રહેતા। मुझे क्या पता था आप लोगों को ऐसा सुनना है। हाँ, ये सजदा ना करे बेटा, इधर खड़ा रहे। हाँ, बहुत मोहब्बत अच्छी नहीं, बगल बगल में मत जाओ। हाँ, आशिक और गुस्ताख अलग होते हैं, है ना? तुम तो दोनों आशिक हो। तो 15 अगस्त वो है जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन 12 रबीउल अव्वल वो है जिस दिन पूरा जहान आजाद हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान। ये मेरे नबी की मीलाद है, नबी की मीलाद। हम तो अपनी हैसियत के मुताबिक कुमकुमे लगाते हैं, है ना? सजाते हैं घरों को, नियाज खिलाते, कमेटी वाले बेचारे अपनी हैसियत के मुताबिक। मगर मौला की शान तो मौला है, वो तो खाली को कायनात का बनाने वाला, जमीन को बनाने वाला, वो आसमान को बनाने वाला, वो सितारों को बनाने वाला, वो पूरी दुनिया को बनाने वाला मालिक। अब जब मालिक है और सबसे ज्यादा उसको महबूब अपने हबीब से है ना, तो अब वो अपनी शान से बनाएगा, लड़के देकर बनवाएगा, सितारे छतों पर आ जाएंगे, है ना? आएंगे नहीं आएंगे? अब मेरे नबी की जब पैदाइश हुई, अब जब मेरे नबी पाक माँ अमीना सलामुल्लाह अलैहा के पेट में थे ना, तो जब आप बस्तियों में जाते तो दरख्त सजदा करते, जानवर सजदा करते। ऐ जमातियों, तुम जाते हो तो होता, तुम्हारी अम्मा जावे तो होता है? ना ना बप्पा, झाड़नो पांदड़ो ही नत खड़तू नीचे, तो क्या दी फड़े? तू भूसठी हो, घूसण खोर छे। आ तो नबी माटे तमाम थाए साहेब, और कहते हम नबी के बराबर, नबी के बराबर। आज खुल के बोलूंगा, नबी के बराबर। अच्छा, नबी के बराबर। अबे मेरा नबी जहां थूक दे वहां गुलिस्ता खिल जाया करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा नबी का थूक अगर कुएं में जाए तो कुआ कयामत तक मीठा हो जाता। सुभान अल्लाह। हाँ, और तेरी बाईड़ी जब खाना बनाती हो ना, तो जाके थूक देना और उसे कहना पी लो, तो वही चिमटा गरम गरम मुंह पे मार। जब बीवी तेरी तेरी अजमत नहीं मानती तो हम क्यों माने? कहा नबी के बराबर, बराबरी करनी है। चिबद्दी और चिबद्दी का शोरबा, होठ देखो तो 10 बिल्लस का मुंह, पेशानी देखो तो भैंस का ओपला बना दिया, और बीवी साबेरा है। हाँ, ये कहते नबी के बराबर। अरे मेरे नबी का तो वो पसीना, आंदोलन चलता है ना, 2 बूंद जिंदगी के, क्या बोला जाता है, 2 बूंद जिंदगी के। काय को पिलाते हो 2 बूंद जिंदगी के? उसमें लंबे एक्टर भी आते हैं, 2 बूंद जिंदगी के। मैंने काहे को पिलाते हो, तो कहेंगे बच्चा बालक विकलांग पैदा ना हो, इसलिए 2 बूंद जिंदगी के। मैंने कहा ना जाने कितने लीटरों लीटर ड्रम प्रधानमंत्री जी ने पिला दिए, मगर फिर भी लंगड़ा ही पैदा हुआ है। ये तेरी 2 बूंद और मेरे मुस्तफा के पसीने की 2 बूंद कि अगर औरत लगा ले तो वो नहीं, उसकी साते नस्लें महकने लग जाती है। सुभान अल्लाह सुभान। उसकी सातों नस्लें महकने लग जाती है। ये तेरी 2 बूंद मेरे नबी के पसीने की 2 बूंद कि अगर बीमार को लग जाए तो शिफायाब हो जाए। सुभान अल्लाह। और तू जब खाना बनाती हो तेरी बीवी, और मेरे नबी का पसीना तो मुझको अंबर से भी ज्यादा महकता था, और तू अपनी बगल में पसीना लेकर अपनी बीवी को सुंघाना, वही बेलन से तेरा हाल क्या करती है? कहां नबी से बराबरी की बात करते हो यार? वो नबी जब पैदा हो, तो जब दाइयां होती थी ना मक्के में, दाइयां होती थी दूध पिलाने वाली, अलग होती थी, ये मक्के का रिवाज था। अब मेरे नबी, एक और बात कह दूं, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, है ना?
अल्लाह की जानिब से आया नूर, तहकीक के अल्लाह की जानिब से आया नूर और रोशन किताब मतलब कुरान पाक। ठीक है, मैं आपके यहाँ आया तो पहला सवाल आपने इरफान भाई से किया होगा, कहाँ से आए हैं, है ना। दूसरा सवाल है ना, किसको किसको साथ लाए हैं, है ना, किया नहीं किया, किसकी जानिब से आए हैं, ये सब सवाल होता है। तो ऐ नबी ये देखो, रब ने फरमाया तो नूर, कद जाकुम मिनल्लाह रसूल नहीं, कद जाकुम मिनल्लाह नूर, दूसरी जगह कहा वमार सल्ला का इल्ला रहमत, ये सब। लेकिन जब नूर की बात आई, भेजने की बात, तो कहा मैंने भेजा नूर, नूर, नूर। सवाल हुआ नूर कहां से आया, कहां से आया, मिनल्लाह अल्लाह की जानिब से आया, अनल्लाह, हाय 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 हाय, और साथ में क्या लाया, किताबो मुबीन, किताबे पाक, किताबे पाक। किस लिए, कुरान को देखिए, क्योंकि कोई भी किताब बगैर रोशनी के मुकम्मल नहीं, रोशनी होगी तभी पढ़ पाएंगे ना, उसके बगैर क्या पढ़ेंगे। तो कुरान के साथ मुस्तफा जाने रहमत का नूर है ना। अब ये नूर देखो, अव्वल भी है आखिर भी है, क्या है, ऐसा ही रहना, मैं बड़ी बात खोलने जा रहा हूं। अव्वल भी है, ये कैसे हो सकता है कि अव्वल भी होवे ना आखिर भी होवे, सबसे पहली मखलूक भी नबी का नूर और आखिर भी मेरे नबी, तो अव्वल कैसे आखिर कैसे। उदाहरण दूं, उदाहरण दूं, हाँ समझ जाएंगे बेस्ट। आप आम खाते हैं, आप खाते हैं ना, और उसमें लंगड़ा आम हो तब, गौर से सुनना बात ऊपर से ना जावे, लंगड़ा हो तब खाते हो, हाँ अच्छा आम आता है यार, बोलो ना, आम खाना हराम थोड़ी है, हाँ आम आदमी पार्टी वाले भी आम खाते हैं, हाँ खाओ। तो एक सेठ थे, बहुत बड़े सेठ, उन्होंने लंगड़ा आम लिया, आए हाय बहुत तरस रहे थे, इतना तो उतना केरी में रस नहीं था जितना उनके मुंह में पानी था, हाँ लिया, दबाया, घुलाया, ऊपर से हटाया, मुंह को लगाया, चूसा, जोर से दबाया तो गुठली बाहर, ये बोले ये का है, बोले हाँ ये गुठली है। तो सेठ साहब ने ना देखा आओ ना देखा ताओ, जमीन में गुठली को डाल दिया ताकि पेड़ बने, जमीन में डाल दिया, डाल दिया, और चले गए अमेरिका, नौकरी लग गई, तो क्या लगा, नौकरी लग गई। अब 15 साल के बाद आए, है ना, 15 साल के बाद अमेरिका से आए, तो अब वो बीज तो डाल के चले गए थे, लेकिन जब आ रहे थे एयरपोर्ट से तो उनकी टांग टूट गई फ्लाइट से, तो 1-2 महीना एयरपोर्ट रहे, इलाज टांग का कराया, लंगड़ाते हुए चले, और जब घर आए तो इतना बड़ा पेड़, तो इस लंगड़े ने उस लंगड़े को देखा, आए हाय 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 हाय, है ना, क्या पेड़ है, आए हाय क्या पेड़ है, क्या पेड़ है, इस पेड़ पर एहसान मेरा है, इस पेड़ पर एहसान, क्योंकि मैंने बीज डाला था, इतनी देर में बेटा आया, अब्बा चुप हो जाओ, पूरा आम खा जाओ, पेड़ खा जाओ, एहसान जताना मत, आप तो बीज डाल के चले गए थे, यहाँ गाय बैल भैंस इसको चर ना जाए, खा ना जाए, तो इसका ध्यान मैंने रखा है ना। हवा बोली चुप, तुम जब सुबह की अजान में खराटे मारता था तब मैं इसको अम्मा बन के झूला झूलाती थी, है ना। इतने में सूरज बोला चुप, ऐ हवा तुझे क्या हुआ, कभी किसी मुल्क में, कभी किसी मुल्क में ना पासपोर्ट ना वीजा। और साइंस के स्टूडेंट जानते हैं, पेड़ पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर होता है ना, ये आप सब लोगों को पता है। तो सूरज कहता है चुप, इस पेड़ पर एहसान मेरा है, मैंने इसको अपना प्रकाश दिया है, तब जाकर ये हुआ है। उतनी देर में जमीन बोली चुप, अगर मैं नीचे से जड़ ही ना देती तो तू क्या कर लेता ऊपर से लाइट मार के,
मैं जड़ ही दी इस पेड़ पर, एहसान मेरा है, मैंने इसको जड़ दिया है। मिट्टी कहती है एहसान मेरा है, मैंने पानी दिया। तब तक पेड़ हिला और कहा है मौला मुझे अपनी जड़ से उखाड़ दे, ये सारे मुझ पर एहसान लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ बाद में है बाप पहले, पेड़ बाद में है बेटा पहले, पेड़ बाद में है हवा पहले, पेड़ बाद में है फिजा पहले, पेड़ बाद में है सूरज पहले, है ना। तो यही तो मेरे रब ने कहा, मैंने अपने हबीब को सबसे पहले इसीलिए बनाया कि जमीन अपना एहसान ना जताए, आसमान अपना एहसान ना जताए, फूल अपना एहसान ना जता पाए। ऐ कायनात, इस मुस्तफा पर तेरा एहसान नहीं, इस नूरे मुस्तफा का एहसान पूरी कायनात पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन नबी, सरकार की आमद। हाँ, सबसे पहले इसीलिए कि बाद वाले एहसान न जताए, न जताए। अब अब्बा ने आम लिया, आम लिया, आम लिया और फिर दबाया, फिर चूसा, फिर गुठली बाहर। अब समझ गए, जो गुठली अंदर थी वो अव्वल, जो हाथ में आई वो आखिर। यही तो मुस्तफा जाने रहमत का नूर है ना। और एक और बात बताएं, आपके यहाँ मणिनगर में, हमारे यहाँ अहमदाबाद में, बेटा बाद में पैदा होता है बाप पहले, है ना। आपके यहाँ क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम है? यही सिस्टम है, बेटा बाद में बाप, दादा उनसे पहले। एक हम हैं, आप हैं, है ना, जो अपने बाप के बाद, दादा के बाद, और एक मेरे नबी का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, पूरी कायनात से पहले। क्यों है महबूब, तेरा नूर मुझे सबसे ज्यादा है महबूब, है ना। ये नबी का नूर है प्यारे, वश्कुरूली वाला तकफुरून। मैंने अपनी आयत जो पढ़ी थी, रब फरमाता है, तवज्जो तवज्जो प्लीज कंसंट्रेट, अब तो मैं खड़ा भी हो गया है ना। मेरी हर हर नेमत का शुक्र अदा करो, मौला फरमाता है, वश्कुरूली वाला तकफुरून। मेरी हर हर, जल्दी बोलो यार, हर हर नेमत का शुक्र अदा करो। ऐ मौला, कैसे नेमतों का शुमार हम कर सकते हैं, तेरी नेमतें तो बेहिसाब है कि नहीं। तवज्जो चाहता हूं, नेमतें तो बेहिसाब है। ये सांस आती है ना, पहली नेमत, वापस जाती है दूसरी नेमत। अब सांस आया गया, आया गया, शुक्र अदा कर पाओगे? तो कोई बंदा कहे कि ना, मैं तो तस्बीह लेके बैठ जाऊंगा, गिनूंगा कितनी सांस आई गई, गिन के शुक्र अदा का। अच्छा बेटा, जागेगा तब तक तो करेगा, सो जाएगा तो किसके हवाले ड्यूटी करके जाएगा। बहुत नेमतें हैं रब की, किन किन नेमतों का शुक्र अदा करे। और अगर मुमकिन ना होता तो रब फरमाता नहीं कि मेरी हर नेमत का शुक्र अदा करो। मुमकिन ना होता, पॉसिबल ना होता, तो रब फरमाता ही नहीं कि मेरी हर हर नेमत का शुक्र अदा करो। मगर मौला कैसे करे, पानी पियो तो नेमत, हवा लो तो नेमत, फिजा नेमत, माँ बाप नेमत, चलो तो धरती नेमत, हर काम बनता चला जाता है तेरे भरोसे मौला नेमत, हर बार पैसा मिले ने, कैसे शुक्र अदा करे। बात समझ में आ रही है, नेमत इतनी सारी, शुक्र मौला कैसे अदा करे। और अगर मुमकिन ना होता तो रब ना फरमाता, रब ना फरमाता, मुमकिन है तभी फरमाया। तो अब देखो, ये हाथ है कितनी कीमती नेमत है कि नहीं है। अगर ये हाथ की कीमत जाननी हो तो किसी लूले से पूछो कि ये हाथ कितना कीमती है, ये पैर कितना कीमती है। अगर इसकी अहमियत जाननी हो तो किसी लंगड़े से पूछो कि ये पैर कितना कीमती है। ये रब की नेमत है ना। ये दिमाग कितना कीमती है, जिनके पास नहीं होती पागलखाने में जाके पूछो कि दिमाग की अहमियत क्या है। तो ये अजीम नेमत है ना, बोलो हाँ। ये जुबान कितनी कीमती नेमत है, अगर इसको जानना हो कितना कीमती है तो किसी गूंगे से पूछो कि जुबान कितनी कीमती नेमत है।
ये सारी सारी कीमती ने अब कोई ये ना कहे कि मैं गरीब हूं, क्या कोई ये ना कहे मैं गरीब हूं, करोड़ों का माल तो गोडाउन के अंदर है, गरीब कैसे हुआ, है ना। कोई कहे मैं गरीब हूं तो उसको बोलना ला दो आंख दे दे, 50 लाख देता हूं, देगा। इतनी कीमती कीमती नेमतें, मगर रब ने ना कहा मैंने तुमको हाथ देकर एहसान किया, पैर देकर एहसान किया, जुबान देकर एहसान किया, हवा देकर एहसान किया, किडनी देकर एहसान किया, दिमाग देकर एहसान किया। इतनी सारी नेमतें रब की, रब ने ना कहा कि मैंने ये सब देकर तुम पर एहसान किया, मगर 12 रबीउल अव्वल को अपने हबीब को भेजा, लकद मंडल्लाहु अलल मोमिनीन इज़बअसफिहिम रसूला, मैंने मोमिनों पर एहसान किया कि उनके बीच अपना महबूब भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन्नबी। मैंने मोमिनों पर एहसान किया कि इनके बीच अपने महबूब को भेज दिया। क्या समझे, क्या समझे, ये मुस्तफा जाने रहमत यही असली नेमत है, यही सब नेमतों की जान है, यही जाने नेमत है, है ना, यही कामिल नेमत है। तो अब क्या करे, बस मुस्तफा जान। अब देखो एक एक नेमत गिन के तो हम अदा नहीं कर सकते रब का शुक्र अदा, मगर एक नेमत कीमती है जिसके सदके सारी नेमतें मिली। इस पर रब ने एहसान भी कहा, बस मीलाद बना लो, सारी नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। हाँ अल्लाह, मीलाद बना लो, सारी नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। मीलाद बना लो, सारी नेमतों का शुक्र। इधर इधर उधर देखने से क्या होता, सारी नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। वश्कुरूली वला तकफुरून। ये नबी है नबी की जात मेरे प्यारों। जब दाई हलीमा जब मक्के में ले जाते थे ना, ये बात मेरी रोकी थी जानबूझ कर, ताकि पहले आप नूर समझे और भेजना समझे, है ना। अब जब दाई दाइयां होती थी तो उस वक्त सारे अमीर के बच्चे दाइयां ले लेती थी, ताकि घर वालों की तरफ से पैसा ज्यादा मिले, है ना। अगर मेरे घर वाले अमीर हो और अगर बच्चा दिया जाए तो इनाम बढ़ा देंगे ना दूध पिलाने वाली को, यार समझा। हाँ, तो सब अमीर अमीर बच्चों को, मेरे नबी तो यतीम थे, और दाई हलीमा भी जा ही रही थी, मगर कहा कि खाली हाथ जाए इससे बेहतर है, सब मोहल्ले में मजाक उड़ाएंगे, तुझे बच्चा नहीं मिला दूध पिलाने को, लाओ ले ले अब्दुल मुत्तलिब के ही पोते को। और जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास दाई हलीमा गई, तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ध्यान से ले जाना, ये कोई आम बच्चा नहीं है, आम बच्चा नहीं है। क्या समझे, दाई हलीमा का खुद फरमान है कि मैं समझती थी कोई कौन बच्चा यतीम है, क्या इनाम मिलेगा, क्या इनाम मिलेगा। जब पहली बार मैंने मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखा, क्या देखा, मुस्तफा जाने रहमत का, पहली बार आप कपड़े में लिपटे हुए थे, और नूरानी चेहरा जब मैंने देखा, मैंने देखा नबी पाक ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, मैं तो उसी वक्त अपना दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हार गई। सुभान अल्लाह, सुभान। और मैं, क्योंकि जो गरीब इलाके की औरतें थी, बहुत कहत साली, मतलब खाना पीना कुछ नहीं, दूध सूख चुका था उनका, मगर मुस्तफा जाने रहमत को जैसे गले से लगाया, दूध भर आया। ये क्यों हुआ, पहले रब की मशीयत ये कि दूध नहीं था, सीने में जरा भी दूध नहीं था, और बाद में मशीयत ये कि मुस्तफा जाने रहमत को गले से लगाया और दूध आ गया। अरे रब बताना चाहता था मेरे हबीब पर कोई दूध पिलाने वाला भी एहसान ना करे, क्योंकि माँ एहसान जताती है, मैंने तुझे दूध पिला के बड़ा किया, मेरे दूध का कर ना। रब ने कहा दूध भी आएगा तो मुस्तफा के सदके, हलीमा का एहसान मुस्तफा पर नहीं, मुस्तफा ने हलीमा को पाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, अभी ये बंद कर दो ना, हो गया,
अमृतम भवती यष्टे मधुरंती। हाँ, बहुत मधुर है। और जब घर पर ले गए मुस्तफा जाने रहमत को, अरे हाय आलम तो देखो, कायनात का हर बच्चा अलग। आपने देखा है ना, 3-5 साल के बच्चे नंगे घूमते, नंगे घूम। दाई हलीमा फरमाते हैं, मेरी गोद में रहे मैंने बचपना देखा, कभी भी सतर ना देखा। क्यों? जब सतर हटने वाला होता था, गैब से कोई आती थी मखलूक और सतर छुपा देती थी। अरे जिसके सतर को छुपाए खुद मौला फरिश्तों को भेज कर। आए हाय, वो मुस्तफा का बचपना है। तेरा बचपन देख, मैं बताऊं तू बचपन में कैसा घूमता था, पटाखे से कहाँ पीछे जला था, कहाँ आगे जला था, बताऊं मैं? तू हमारे नबी की बराबरी करता, अबे उनके बचपन की तरह तेरा बचपन नहीं है। तुम नंगे हो जाओ तो झाड़ भी नीचे ना आवे, और वहां तो दरख्त सजदा कर रहे हैं। और फिर मेरे नबी ने दाई हलीमा का दूध पिया। क्या पिया, क्या पिया? हाँ, तो एक ही तरफ से आप पी रहे हैं, दूध भर गया, एक ही तरफ से आपने पिया। और दूसरी तरफ जब पिलाना चाहा, मेरे नबी उस बचपने के आलम में उंगली से इशारा कर रहे थे दाई हलीमा के सगे बेटे की तरफ, सगे बेटे की तरफ। दाई हलीमा कहते, मैं समझ गई, इंसाफ वाला नबी है। सुभान अल्लाह। दूसरी तरफ से दूध नहीं पिया, क्योंकि अब्दुल्ला को पीना बाकी था, उनके हिस्से का हक छोड़ दिया। इस्लाम को दहशतगर्द कहने वालों, रेल में घोटाला तुम करते हो, कोयले में घोटाला तुम करते हो, दहशतगर्द इस्लाम मजहब नहीं। हमारा नबी तो पैदा हुआ दूध पीते ही इंसाफ का तरीका बता देता है, उसे कहते हैं इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी। ये मुस्तफा जाने रहमत का बचपना है, ये मिलादुन्नबी है ना मेरे प्यारों। मिलाद बनाना कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा बे यार? मुस्तफा जाने रहमत का मिलाद बनाना आशिकों के दिल पर लिखा है, सुन्नियों के बच्चे बच्चे के दिल पर लिखा है। मेरे प्यारों, आखिरी बात सुन ले, वक्त होने जा रहा है, 5 मिनट है। कितना मिनट है? 5 मिनट। आज मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे आने का हक अदा हूँ मैं, है ना? हमारे इमाम साहब बैठे सैयद साहब, अल्लाह इनकी उम्र को बुलंद करे, ऐसा खुलूस वाला दिल अल्लाह हर इमाम को अता करे, और ऐसे इमामों का साया। क्योंकि जब किसी के इलाके में कोई नौकरी करने आता है ना, आसान नहीं होता कि सेठ अच्छा मिले, लेकिन हमारा सेठ तो खुद आले रसूल था। हाँ, हमें भी नवाजा, पुश्त पनाही भी होती रही, है ना मेरे प्यारों। मीलाद का समा है, मीलादुन्नबी। कल तो मैं रहूँगा, आज आखिरी है, कल राजस्थान में। अब मुसलसल जैसे यहाँ जलसे है, वहाँ मुसलसल जलसे होने वाला के करम से आप लोग मेरे हक में भी दुआ करें। इतने दिन में इस फकीर की जानिब से कुछ कहने में कोई खामी, कोई गलती, कोई ऐसी बात जो मेरी ओर से आपको चुभ गई हो, लगी हो, सबके बीच में लाइव माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं घमंडी नहीं हूँ। अल्लाह ने और मेरे पीर हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम और गाजी मिल्लत सरकार हाशमी मियाँ, इन दोनों की सोहबत और मुख्तार अशरफ सरकार कला की घुट्टी ने जो बचपने में मुझे मिली, मुझे झुकना सिखाया है। इसीलिए ये उम्मत रसूल है, 40 बंदे जहाँ जमा हो वहाँ एक अल्लाह का वली जब होता है, शर्त यह है मोमिन हो, है ना? तो यहाँ तो इतने सारे हैं, कोई तो अल्लाह का वली होगा। और एक तो हमारी जमात का नुमाया वली दादा बापू है। ये जितना मैं बोल पाया, जितना करा, ये दादा बापू का करम था, उनकी औलादों की दुआएं थी, है ना? तो आप सब लोगों से जाहिर में माफ़ी मांगता हूँ, आप सब भी माफ़ करें। लेकिन एक बात, माफ़ कर दिया? हाँ बोल दे तो मैं आगे बढ़ूँ। बिल्कुल पक्का, मैंने भी माफ़ किया, क्योंकि मेरे को शरबत पी पी के बहुत हैरान किया है। हाँ,
बहुत हैरान किया, कुछ बोले आज आखिरी दिन बोल रहे, पहले ही बोल देते तो यही तकरीर रोज हो जाती है ना। तवा गरम होवे तब रोटी होती है बेटा, ठंडे पे तो मसलती रह जावे और ते तवा ही कुछ नहीं होगा, वाइट का वाइट ही रहेगा। हाँ है ना, सुभाष चंद्र बोस में ताकत तब आई थी जब आजाद हिंद फौज मजबूत थी। तुम तो मुस्तफा की फौज हो यार, आए हाय तुम आशिक हो आशिक। हाँ ये मुकद्दर की बात है कि आप मिलाद बनाते हो, सबके बस की बात नहीं है। कुछ चिबद्दी और चिबद्दी के शोर में बैंगन भरते जैसा थोबड़ा लेकर बैठने वाले उनके मुकद्दर में है ही नहीं। क्यों, ये अल्लाह ने फैसला किया है। क्या किया, लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, मैंने मोमिनों पर एहसान किया। क्या किया, मोमिनों पर। किस पर किया, मोमिनों पर एहसान किया कि अपना हबीब भेजा। अब मोमिन ही तो एहसान मनाएगा, गैरों से कहा कहा है, तो मोमिन ही मीलाद बनाएगा, है ना, है ना, है ना मेरे प्यारों। तो मीलाद के सदके आज आखिरी पैगाम, बहुत उम्मत में खुरासानियां हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, मीलाद के दिन अब भाई भाई से लड़ा है तो मिल जाए। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बेटा अगर माँ बाप से नाराज है तो मिल जाए, बच्चा माँ बाप से नाराज है तो माफी मांग लो मेरे प्यारों। मेरे नबी फरमाते हैं माफी सामने से मांगने वालों को जन्नत में दिलवाऊंगा। बड़ा सौदा करो, चालाक बन जाओ, सामने से चले जाओ, माफी मांग लो, अपनों को तो मुफ्त में जन्नत मिल रही है ना। झुक जाओ, घरों के झगड़े हो तो आपस में माफी मांग लो, और भाई भाई दादा बापू की हाजिरी में हाथ से हाथ मिलाए, और दादा बापू की रूह खुश हो कि ये भाई लड़े हुए थे, ये बेटा माँ बाप से, और माँ बाप सर के ताज होते, किसी पीर साहब का फैज तुम्हें नहीं पहुंचेगा। लिख कर देता हूँ, जिम्मेदारी के स्टेज से बोलता हूँ, किसी वली का फैज तुम तक नहीं पहुंचेगा, ना किसी की दुआ तुम्हारे तक काम आएगी जब तक माँ बाप नाराज है। क्योंकि दुनिया में ये आपको बताया ना, आदम अलैहि सलाम कह रहे थे नबी को भेज दे मौला, सबने कहा नबी को भेज दे, हजरत आमिना ने एक बार दुआ की मौला हबीब को भेज दे, दुआ कबूल हो गई क्योंकि माँ की दुआ थी। माँ की दुआ मकबूल होती है प्यारे, मकबूल होती है। रोजी में बरकत नहीं, धंधे में बरकत नहीं, कई फुटपाटियों की दुकान आप चलवाते हैं, जिसके खुद के रोजी के ठिकाने नहीं होते वो तुम्हारी रोजी का इंतजाम करेगा। ले ताबीज रख दी हो, ताबीज बहुत कीमती चीज है, लेकिन करने वाला हाथ भी तो बापू जैसा होना चाहिए। अंगूठिया लटका हुआ इन्हें जुल्फे का, खुदा ही तो नहाता नहीं है। हाँ गंधाड़ा, जन्नत दिलाएगा ने, रोजियां वो तो खुदा ही फुटपाटिया। अभी मैं राजस्थान के एक इलाके से तहकीक किया, बाबा वो क्या क्या बंडल निकालता था। हाँ वो बोले मैं मस्तान हूँ। हाँ ये मस्तान देखो, इसको सुई छुबो तो पता चले कितना मस्तान। क्या किया उसने, पूरा राजस्थान का इलाका उसका मुरीद बापू, मौलाना होगी सुने ना, कह जा तुमको क्या रूहानियत तो है नहीं तुम्हारे अंदर। वो बाबा में रूहानियत, बोले क्या, तो बोले बंडल निकाल के यूं फेंकते, बंडल निकाल के यूं फेंकते, पता चला किसी के घर करोड़ों की चोरी करके लाया था। तो निकालेगा इन्हें आराम की गंगा, मुफ्त की डुबकियां, उसकी जेब से कहां जावे। केस क्या हुआ उसको पता है, बलात्कार का केस हुआ है, लड़की लेकर मोहल्ले से भागा है। इन सबसे रोजी नहीं चमकती, बापू जैसा आमिर चाहिए, तब जाके दुआ असर, ये भी तब असर होगी जब माँ राजी होगी, माँ बाप। अगर मैंने देखा है सावर कुंडला में रोजी 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 बहुत करते हैं सब, है ना बाबा, यहाँ दादा बापू का फैजो करम है जो हम एक रुपए में भी करोड़ों की खुशियां ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ रहमत वाला पीर है, लुटाने वाला पीर है। इस पीर के पास दौलत की लालच से तो कभी जाना ही मत, क्योंकि दौलत तो खत्म हो जाएगी यार, गौसे पाक का फैज कभी खत्म नहीं होगा। अगर चाहिए रोजी में बरकत हो जाए, कारोबार में तरक्की हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं, बिजनेस में हर चीज में आगे बढ़ जाऊं, मेरी कामयाबी तो पहली सीढ़ी है माँ बाप। सुबह सुबह उठ, सबसे बड़ा ताबीज यही है, सुबह सुबह उठो, शर्म भले आवे, क्योंकि शैतान अंड संड चीजों चूमने के लिए मजबूर नहीं करे, वहां शर्म नहीं दिलाएगा, लेकिन अच्छी जगह रोकेगा, क्योंकि तेरी बिगड़ी बनने वाली है। सुबह सुबह उठकर कोई काम ना करो,
बीड़ी बाद में फूकना, तम्बाकू बाद में खाना, पहले माँ का कदम चूम लेना। इस दिल से उसने दुआ दे दी ना, याद रखना। आज ये फ़कीर अशरफ़ी गदाई जीलानी यहाँ खड़ा हुआ है ना, सबकी दुआएं रहमतें बाद में है, सबसे पहले मेरी माँ की दुआ है, मेरी माँ की दुआ है। क्योंकि माँ ना होती तरक्की ना होती, चाहे बिस्तर संभालना पड़े माँ बाप का, क्योंकि माँ माँ कितनी कीमती नेमत होती है। बताऊँ आपको एक आखिरी बात कह दूँ, बोलूँ प्यारे, आज मिलाद है यार, हम मिलाद के सदके कुछ ले कर जाते हैं। एक अल्लाह के वली जैसे मैं बैठ के तकरीर करता हूँ ना, है ना, ऐसे ही वो तकरीर करते थे, करोड़ों उनके मानने वाले शागिर्द थे। क्या थे? शागिर्द थे, पढ़ने वाले स्टूडेंट। तो हर रोज माँ आती और चालू महफिल में उनके सर पे इतना जोर से डंडा मारती और कहती, मुर्गों का पिंजरा बंद नहीं किया, खुला रख के, इतना कह के स्टेज से उतर के फिर चली जाती। बस इतना हर रोज होता और उनके सर से खून निकल जाता। क्या निकल जाता? खून निकल जाता था, लेकिन वो कुछ ना कहते, खामोश बैठ जाते। उनकी माँ को दिमाग की बीमारी थी भूलने की, वो बंद करके ही आते थे पिंजरा, मगर वो रोज की आदत कैसा है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि शागिर्द जो होते हैं ना, उनको उस्ताद की बहुत पड़ी होती है, यार हमारे उस्ताद इतने बड़े हैं, इतने बड़े, कोई पीर साहब हो यार, उसको आप मुरीद के सामने ये हो गए तो वो देख पाएगा? नहीं देख सके। तो शागिर्दों ने क्या किया, जिस रूम में माँ रहती थी उसको कुंडी लगाकर ताला लगा दिया। तो उस दिन वो जब मसनत पर पढ़ाने बैठे तो पढ़ाते वक्त दिल में ख्याल आया, अभी तक माँ मारने डंडा नहीं आई, अभी तक माँ डंडा मारने नहीं आई। माँ दिल बेचैन हुआ तो पढ़ाते पढ़ाते माँ के रूम को देखने गए तो ताला लगा था। चिल्ला कर कहा, किसने ये बदबख्ती की के माँ को ताला लगाया? शागिर्दों ने हाथ जोड़ लिए, उस्तादे गिरामी माफ कर दीजिए, हमें देखा नहीं जाता, आप बैठते वो डंडा मारती है, खून डेली का ये रूटीन है, हर रोज ये होता है, हम देख नहीं सकते। चिल्ला कर वो अल्लाह के वली कहते हैं, कभी ये बंद न करना, मेरी माँ मुझे दिन में मारती थी, खून निकलता था, रात को ख्वाब में मुस्तफा आकर सर पर हाथ घुमा कर कहते थे, बेटा चोट तो नहीं लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादन नबी। बाहर गांव होना और हम बीमार हो जाए तो दूर बैठी माँ को पता चल जाता है कि बेटा बीमार है। एक औरत के आने पर पूरा बदल नहीं जाना चाहिए, वो तो तब आई जब तू जवान हुआ, कमाने लायक हुआ, पैसा ना हो तो वो भी ना आवे, उसका हक अपनी जगह है। ना औरत पर जुल्म करो, उसको भी रखो, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो औरत को माँ पर ज़्यादा फजीलत देते हैं। माँ माँ होती है, माँ का अधिकार ज़्यादा। तो इस मीलाद में हम ये सब अहद कर ले, हम नबी पाक को खुश करने। खुश कब होंगे? जब पहले माँ बाप खुश होंगे। अबे हज तो कबूल नहीं होता, तो ये लाइटिंग कबूल हो जाएगी है? नारियल तकदीर ये सब कर, नारा तकबीर ये सब करने से हो जाएगा ना? पहले माँ बाप को राजी करो, अगर नाराज़ हो मीलाद का समा है, प्लीज़ अपने लिए नहीं, नफ्स के लिए नहीं, टणी वणी सब निकाल दो, दिल खोल कर सबसे पहले माँ बाप से मिलने चले जाओ, कदम से चूम लो। और अगर भाई भाई से नाराज है तो मिल ले, घर वाले घर वालों से मिल ले, है ना प्यारे? ये असली मिलाद पाक है। उसके बाद जब दादा बापू की हाजिरी में तुम जुलूस निकला लोगे तो अब दादा बापू का हाथ तो और भी पावरफुल हो चुका है, क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह से आ रहे हैं। तब कैसी दुआ मिलेगी? जम के बरसेगी, है ना? तो अगर जम के रहमतें दादा बापू की लूटनी है, जल्दी से जलसे के बाद अम्मा अब्बा से जाके सुलह कर लेना बेटा, इसी में अपनी भलाई है, है ना? तो ये ज़मीन मिला दी, आसमान मिला दी, वश्कुरूली वला तकफुरून, वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
आ जाओ। 100 रुपये मुंडा बाइक बल गहरा चल बाद में दूंगी। बड़ा अच्छा बयान अभी चल रहा था माशाल्लाह। एक बात और भी अच्छी थी कि माँ के मकाम को खड़े होकर ये बता रहे थे, माँ के मकाम को खड़े होकर बता रहे थे। ये हकीकत में आज के दौर में समझना ज़रूरी है। इबादतों की लज्जत नहीं समझ पाए, इबादतों की लज्जत नहीं समझ पाए जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं समझ पाए, इबादतों की लज्जत नहीं समझ पाए जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं समझ पाए। तमन्ना करते हैं, तमन्ना करते हैं वो लोग कैसे जन्नत की, तमन्ना करते हैं वो लोग कैसे जन्नत की जो माँ के कदमों की जन्नत न समझ पाए। तमन्ना करते हैं लोग कैसे जन्नत की जो माँ के कदमों की जन्नत न समझ पाए। ये बड़ी बात है कि माँ जब तक कुछ ना कहे कुछ नहीं होता। बहुत अच्छी बात है इन्होंने बताई। बहरहाल मेरे नबी का ये जश्न हो रहा है, इस पर भी मैं एक बात कह दूँ। मैंने एक लफ्ज़ लिखा, उस लफ्ज़ की खुशबू से किरतास मुअत्तर है। बहुत कम समझ में आ रही है बात लोगों को। मैंने एक लफ्ज लिखा, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस लफ्ज की किरणों से आलम मुनव्वर है। बहुत अफसोस से लोग बोल रहे हैं। मैंने एक लफ्ज लिखा, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस लफ्ज की किरणों से आलम मुनव्वर है। अब मचल कर बोलो तो आगे की लाइन होगी। मैंने एक लफ्ज लिखा, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस लफ्ज की किरणों से आलम मुनव्वर है। वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मोहम्मद है, वो लफ्ज़ मुकम्मल है, वो लफ्ज़ मुहम्मद है। ये मेरे नबी की शान बयान हो रही थी अभी, जो आप हजरत से समाप्त कर रहे हैं। वो नबी जो इशारा करे तो शजर चला आए, वो नबी जो इशारा कर दे तो कंकर भी कलमा पढ़े, कंकर भी कलमा पढ़े। पत्थरों ने पड़ा कलमा, चांद हुआ दो टुकड़े। ये मेरे नबी की बात कर रहा हूँ, एक शेर आखिरी ये दे रहा हूँ। पत्थरों ने पड़ा कलमा, चांद हुआ दो टुकड़े, उंगलियों के इशारों पे महताब का ताल अच्छा है, उंगलियों के इशारे पे महताब का ताल अच्छा है। ये बहुत वैसे तो इशारों की बात है, वो अभी नहीं बतानी है। मुसलसल 5 दिन से हम हजरत का खिताब सुन रहे थे, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम हाशमी। अल्लाह के करम से लोगों का साथ भी अच्छा रहा है, काफ़ी तादाद भी रही है, ये अल्लाह का करम है। मैं कमेटी के मेंबरान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग रोज़ाना बड़ी काफ़ी लंबी फहरिस्त के साथ, ऐलान भी है लेकिन वो ऐलान के साथ ये कह रहा हूँ कि कमेटी के हजरात की तरफ से, पूरी कमेटी के तमाम हजरात की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़ी तादाद में हाजिर रहेंगे और अल्लाह के करम से इस प्रोग्राम को कामयाब करने में आप लोगों का बाइस तमन्नाओं को पूरा फरमाए। तो मुसलसल 5 रोज़ जिन्होंने हमें नबी, औलाद नबी,
जिसकी शान हम 5 दिनों से सुन रहे थे। वैसे तो गुलपोशी का प्रोग्राम ये है, लेकिन बोलने वाला जो बोलता है और सुनने वाले जो सुनते हैं, गुलपोशी तो बहुत छोटी बात है, लेकिन कोई ऐसी बात पर कोई अमल कर ले तो दोनों जहान की कामयाबी उसी में है। बहुत सारी बातें, बीच में एक मर्तबा इन्होंने सुन्नत रसूल का भी कहा था, वो भी अच्छी बात है कि कोई अगर महफिल में सुन्नत रसूल सजा ले। और अल्लाह का करम है हजरत, पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं रात को मेरे नबी के दरबार में, जिस तरह जन्मदिन पर तोहफा लोग देते हैं, नबी को तोहफे के रूप में कई लोगों ने सुन्नत रसूल सजाई थी, कई लोगों ने, और इस साल भी इंशाल्लाह होने वाला है। वो मेरी नज़रों में कई चेहरे भी है ऐसे हैं जिनके चेहरे पर मुझे सुन्नत रसूल देखनी। लेकिन एक बात और भी है यहाँ, दुख न लगाए छोटी बात बता देता हूँ, ये जितने चेहरे जो सुन्नत रसूल के बग़ैर है, सबके चेहरे पर सुन्नत रसूल हो सकती है, बस एक काम हो जाए तो हर औरत ठान ले कि उसका शोहर सुन्नत रसूल वाला हो, तो कोई सुन्नत रसूल बगैर नहीं रहेगा, हर एक के चेहरे पर सुन्नत रसूल होगी। औरत अगर ठान ले तो, और जो औरत हकीकत में सैयदा की कनीज बनकर रही होगी, यकीनन वो अपने शोहर को कल सुबह होने से पहले कह देगी कि नबी के दरबार में नबी की विलादत का तोहफा सुन्नत रसूल सजा ले। जैसे जन्मदिन पर, पिछले साल भी मैंने कहा था कि जन्मदिन पर हर कोई तोहफे देते हैं, किसी का बर्थडे होता है ना भाई, जन्मदिन पर लोग गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं, ताकि जिसका जन्मदिन हो उसे खुशी मिले। ये पहले भी हुआ करता था, बादशाहों के ज़माने में भी, जब उनके बेटों का जन्मदिन होता था तो वो कई कई शहर तोहफे के तौर पर दे देते थे। आज भी तोहफा देते हैं लोग, अलग अलग तोहफा देते हैं, जो जैसा होता है वो वैसा तोहफा पेश करता है। हम तो मेरे नबी के ग़ुलाम हैं, और आका का जन्मदिन है, उनकी विलादत का दिन है, तोहफा देना है तो वो दे जिससे आका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। और वो तब हो सकता है दो काम से, एक नमाज मुकम्मल हो जाए, दूसरा चेहरे पर सुन्नत रसूल सज जाए। ये दो तोहफे नबी को दे दो, फिर देखो मरने से पहले इन्हीं आंखों में नबी का दीदार हो जाएगा, नबी का जलवा आ जाएगा इन्हीं आंखों में। बेशक ये तो बहुत सारी बातें, वो मुझे अभी बतानी नहीं है। हजरत का जो खिताब हम सुन रहे थे, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुसलसल 5 दिन तक उन्होंने हमें नबी और आले नबी का बयान सुनाया है। तो मैं हजरत का गुलपोशी से इस्तकबाल करने के लिए मैं कहूँगा, यूनुस हमारे मस्जिद कमेटी के प्रमुख यूनुस खान मोहम्मद खान पठान कि वो आए और हजरत को कवर के साथ गुलपोशी से इस्तकबाल करें। जिंदाबाद। ये अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ हजरत के साथ एक उनके साथ ही गाए, पहले मर्तबा जब मैं आया यहाँ तकरीब में, भाई वो उनके भाई है भाई, छोटे भाई मोहम्मद फईन अशरफ, मैंने उनको कहा था कि आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी आवाज़ है, और यकीनन ये आवाज़ इनको आगे चलकर बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जो नबी के गीत गाता है नबी उसको अपने दर पर ज़रूर बुलाते हैं, बेशक बुलाते हैं, हर सनाखा को बुलाते हैं,
बशर्त ये कि वो सनाखा दिल से नात पढ़ता हो। इनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी देखी, एक पढ़ने वाले सब पढ़ते, मैं किसी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, हर एक अलग अलग तरीके से पढ़ता है, मगर इनकी आवाज मुझे अच्छी लगी इसलिए कि उनके पढ़ने में इससे कोई ऐसा अंदाजा न लगा, क्योंकि सावरकुंडला में घर घर में सनाखा है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसा न समझे, इनके पढ़ने में ऐसा लगा कि लालच तो दूर की बात है, एक इश्क नबी से कैसा होता है और उस इश्क के अंदर वो कैसे पढ़े जाते हैं, वो मैंने देखा था उनके पढ़ने में, बहुत अच्छी बात है। और इश्क जब नबी से इस तरह होता है कि उस इश्क के सामने दुनिया जब फीकी लगती है तो यकीनन तभी तो मदीने से बुलावा आता, बहुत अच्छी बात है। मैं उनका भी इस्तकबाल करने के लिए रफीक भाई उस्मान भाई मोमिन से कहूँगा कि वह आए, और हमारे हजरत के जो छोटे भाई है फईन अशरफ साहब, उनका इस्तकबाल करेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ आज अल्लाह के करम से कई सैयदों का हुजूम है, अल्लाह का करम है, जलसा नबी का है और औलाद नबी कई हाजिर है। मैं तो उन सैयदों के भी नाम बोलूँगा तो वो आते जाए, सैयद शब्बीर बापू अली हुसैन बापू कादरी, अल्लाह का करम है, आले रसूल यहाँ महफिल में जलवागर है, और कहा जाता है कि जिस महफिल में नबी की औलाद हाजिर हो वो महफिल कबूलियत का दर्जा रखती है। बहरहाल मैं दावत दूंगा हाजी उमर भाई जी ललिया को, कहूँगा कि भाई वो आए और सैयद शब्बीर बापू अली हुसैन बापू कादरी उनका फुलहार से इस्तकबाल करे। वे मैं हाजी साहिबानों का नाम बोलता जाऊंगा, वो भी आते जाएंगे साथ साथ। हाजी उमर भाई अलू भाई जाखरा है, हाजी जफूर खान है, वो सब भी आते जाए भाई आ जाए। एक तरफ हाजी है, दूसरी तरफ आले रसूल है। अल्लाह हु अकबर। एक मिनट फिर अभी तूतीय सावरकुंडला सैयद साजिद बापू कादरी, उनका इस्तकबाल हाजी जफर खान करेंगे। हाजी उमर भाई अलू भाई जाखरा कहाँ है भाई? हाजी साहिबानों में कौन है बाकी? भाई सैयद हाजी शराफत हुसैन बापू मेरे वालिद साहब भी वो भी आए हैं, तो उनका भी कमेटी के हजरात ने कहा कि वो भी आ चुके हैं, तो उनका इस्तकबाल भी। दाऊद भाई हुसैन भाई खलीफा, दाऊद भाई कहाँ है भाई? दाऊद भाई झोली तो पूरी हो गई, आ जाओ हैं दुकान पर, ए पकड़ने ला झोली ना पैसा वापरी नाक से का। नहीं, हमारे मस्जिद कमेटी के प्रमुख यूनुस खान वो इस्तकबाल करेंगे सैयद हाजी शराफत हुसैन बाबू का। दाऊद भाई आ जाओ। सैयद इमरान बाबू कादरी, उनका इस्तकबाल करेंगे भाई दाऊद भाई खलीफा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। भाई कमेटी के हजरात ही आगे आ जाओ सब इस्तकबाल के लिए। भाई मैं नाम बोलता जा रहा हूँ, शाहिद बापू बहारूनी। भाई ये जो प्रोग्राम करने वाले कमेटी के मेम्बरान में से इरफान सिद्दीक भाई दल,
वो शाहिद बाबू बहरूनी का इस्तकबाल करेंगे। फिर है मुनव्वर बाबू कादरी, शब्बीर मोमिन अल्लाहुअकबर। फिर है आदिल बाबू कादरी, इकबाल हाजी आजम भाई चौहान, वो आ जा भाई तू। आदिल बाबू अब महबूब बापू स्टीमन उनके बेटे हैं भाई आदिल बापू। फिर शब्बीर बापू बहरूनी का है ये शाहिद बापू बहरूनी। शब्बीर बापू का इस्तकबाल करने के भाई कमेटी के हजरात मेरे को तू बाकी है सरफराज शेखानी अल्लाह। तो कौन बाकी रहते हैं? तो हमारे इस प्रोग्राम को लाइव जो कर रहे हैं और शहर के काजी भी हैं, शहर काजी गुलाम मुस्तफ़ा, उनका भाई दाऊद भाई का लड़का मुस्तफ़ा खलीफा, दोनों मुस्तफ़ा नाम टकरा दिए भाई। अल्लाहु अकबर। भक्तिया सब के लड़का वो आए कि नहीं? रहमानी कहाँ? हेलो हेलो हेलो, इधर है तू, कैमरा लेकर आइए। मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब के साले और बख्तियार साहब के लड़के रहमानी भाई फरीद आजा कहाँ हैं? आज साथ में मुबारकबादी भी देना, अभी अभी नई नई शादी हुई इसकी। अल्लाह अकबर। અમિત બાપુ નું સન્માન કરશે। નારાયણ તકબીર, નારાયણ રિસાલત, જશ્ન ઈદે મિલાદન નબી। હવે એક અમારા કમિટીની ઈચ્છા છે કે અમારા આલિમ સાહેબ છે એનો અમિત બાબુ આવી જાઓ, તમારા હાથથી સન્માન કરવાનું છે। આ બાપુનું સન્માન તમારે કરવાનું છે। ઉતર, નીચે ઉતરી જાઓ। ના 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 ના, ઉતરવા જઈ, ઉતર ઉતર કરે। નારાયણ તકબીર, નારાયણ રિસાલત, જશ્ન ઈદે મિલાદન નબી। જો હા, મેં મુસલમાન થઈ ગયો। સલામ ભી બાકી હૈ લેકિન એક એલાન, સલામ ભી પઢના હૈ, કુછ એલાન મેં કર દેતા હું ઉસકે પહેલે। ભાઈ સુન લે ભાઈ, વો પ્રોગ્રામ કિતને બજે લાઈવ હૈ? अबे देर है, थोड़ी देर भाई रुक ले, बर्तनों को रोक ले भाई। कल जो ऐलान हुआ नेक काम मिशन की जो मीटिंग है वो आज है, सब जानते हैं। मजमे में सुस्ती आ गई भाई, उसको भी गर्म करना जरूरी है। अभी ऐलान कर दो ना, पीछे अभी तकरीबन 12:30 बजे, 12:30 बजे अगर प्रोग्राम लाइव होगा मदीना मुनव्वरा से, और लाइव करेंगे मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा यहाँ बैठकर पैगाम हक में। हालांकि पहले हमारे पहले बात इसी मिली थी कि मौलाना ने कहा भी था कि टीवी अगर मंगा लिया जाता, अगर मंगा लिया जाता तो यहाँ पर टीवी रख कर दिखाया भी जाता और हमारे नाम वहाँ बोले जाते, वो सुनने को भी मिलते। लेकिन जिसको भी अभी सुनना हो तो वो पैगामे हक जो ऑडियो चैनल है उसके अंदर आप नेक काम मिशन की जो मीटिंग है मदीना मुनव्वरा में वो आप सुन पाएंगे।
बारह बजे या सवा बारह बजे या साढ़े बारह बजे, अगर साढ़े बारह बजे प्रोग्राम शुरू होता है तो मदीना मुनव्वरा में दस बजे होंगे, वहाँ के दस बजेंगे, ईशा की नमाज के बाद का जो टाइम है दस बजे, और यहाँ कितने बजेंगे साढ़े बारह बजे ये प्रोग्राम शुरू होगा, तो इसको भी खास सुन ले। कुछ लोगों के नाम रह गए हैं तो वो नाम मैं आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ। वो नाम कई लोगों ने मुझे कहा भी था, किसी ने फ़ोन कर किसी ने अलग अलग तरीके से मुझे बताया कि भाई हमारे नाम लिखे हैं कि नहीं, हमारा नाम आया कि नहीं, हमारा नाम दर्ज हुआ कि नहीं, वहाँ नाम पहुँचाए कि नहीं। तो मैं फटाफट से उन सब के नाम बोलता जाऊँगा, वो नाम आप सुन ले और उसमें बाकी रह गए वो तो वो निकाल तो नाम बदलना, और किसी के नाम रह जाए तो वो भी सुन ले। लेकिन अभी मजमे में गर्मी नहीं है क्योंकि मुझे नाम साथ बोलने के साथ जो बाकी रहते हैं उन लोगों के नाम भी चाहिए। कई कल मुझे लोगों ने बताया भी था, कई औरतें उसमें देना चाहती थी मगर वक्त नहीं रहा, तो औरतें दे रही थी मगर सलाम पढ़ा गया। तो आज मौका है, जिसको देना हो तो अभी भी हाथ उठाकर दे सकती है। मैं दो तीन मिनट के लिए कुछ बोल लेता हूं ताकि आपको किसी को भी देना हो तो हाथ उठाकर देने के लिए कह सकते हैं। भाई नज़र रखना, जो औरत हाथ उठाए वहां से नेक का मिशन में, अभी मीटिंग शुरू होने वाली है लाइव मदीना मुनव्वरा में मेरे नबी के दरबार पर। चलो वो बोलने से पहले दरूद पाक पढ़ ले। اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم। भाई कमेटी के हजरात कह रहे हैं कि भाई वक्त नहीं है, तो भाई नाम बोलने के लिए भी मना कर रहे हैं। ये इसलिए भाई कमेटी के हजरात सुन ले, ये मैं इसलिए बोलने के लिए कह रहा था, फिर आपकी मर्जी। सरकार दादा अपू अभी लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम को, फिर आप कह रहे हो तो सलाम पढ़ा लेते हैं। फिर साजिद बाबू आ जाओ सलात व सलाम पढ़ने को, फिर सलाम पढ़ ले। मौला सल्लिम व सल्लिम दागीमन गबदन आला हबी बीका खैरल खल्के कुल्ले हे मी मौला या स्वान। बटता है बाड़ा नूर का सुब गुतबा में घुबी बटता गे बाड़ा नूर का सदकले ने नूर का गे तारा नूर का मौला या सन। अबदन आला हबीबिका तेरी नस्ले पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का तू ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का मौलाया। स
والصلاه والسلام عليك يا رسول الله والصلاه والسلام عليك يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك وصحبه يا شفينا جميع الجزاء الفاتحه الى حضره النبي محمد ربي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم واوفوا بعهد الله ان الله بصير بالعباد برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله بينيات خانه کے لیے سبھی حضرات بیٹھ جائیں